हेलो दोस्तों, आज गौरी के घर में मनाया जाने वाला है मकर संक्रांति का त्यौहार। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में क्या क्या होता है। हैप्पी मकर संक्रांति रूही बेटा, हैप्पी मकर संक्रांति विक्की बेटा। मम्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जैसे हम दिवाली में पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और होली में रंग लगाते हैं, रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं, मम्मा वैसे हम मकर संक्रांति में क्या करते हैं? मुझे तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, बताओ ना मम्मा क्या करते हैं? अच्छा, ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रूही बेटा। बेटा, मकर संक्रांति में भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और तिल गुड़ लड्डू, मालपुआ बनाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं और कई जगहों पे तो खिचड़ी भी बनाई जाती है। और पता है, ये दिन तो बच्चों के लिए और भी खास होता है क्योंकि वो लोग छत पर पतंग उड़ा सकते हैं, तो इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। और रूही विक्की, मैंने तुम्हारी फ्रेंड को भी बुला लिया है, ठीक है? अन्नू तन्नू और पायल तीनों को बुला लिया है, तो वो अब आती ही होंगी। मम्मा, पतंग तो है नहीं, फिर हम कैसे उड़ाएंगे? आप तो हमारे लिए कल पतंग ही नहीं लेके आए मार्केट से। हाँ बेटा, मुझे कल ध्यान ही नहीं आया, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई, सॉरी बेटा, पतंग तो नहीं है अभी, क्या करें? मम्मा, बिना पतंग के फिर कैसे मजा आएगा? अभी तो आपने कहा कि बच्चों के लिए पतंग लाई जाती है, फिर वो उड़ाते हैं, और हमारे पास तो पतंग ही नहीं है। और तभी घर में रूही के पापा आ जाते हैं। अरे रूही, विक्की, गौरी, तुम सब लोग यहीं बैठे हुए हो? देखो मैं आ गया और तुम लोगों के लिए कुछ सरप्राइज लेकर के आया हूँ। रूही विक्की, तो गेस करो बेटा, पापा क्या लेकर के आए होंगे? पापा पता नहीं, अभी तो मुझे कुछ चाहिए पर पता नहीं आप वो लाए होंगे कि नहीं लाए होंगे। तो मैं लेकर के आता हूँ अपना सरप्राइज, और फिर तुम खुद ही देख लो कि तुम्हें जो चाहिए पापा वो लाए हैं कि नहीं। तो ये देखो रूही विक्की, यहाँ पे है तुम्हारा सरप्राइज। ये रही तुम्हारी बहुत सारी पतंगे, देखो कितनी रंग बिरंगी पतंगे हैं और कितनी सारी हैं। ये सब तुम दोनों के लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए है, और यहाँ पर मूंगफली और गुड़ भी है बेटा। वाह पापा, थैंक यू सो मच, आप कितनी सारी पतंग लेकर के आए रंग बिरंगी, बहुत ही अच्छा लगा। पता, मैं और विक्की यही वेट कर रहे थे कि काश हमारे पास भी पतंग आ जाए कहाँ से, और देखो आप लेके भी आ गए। ओ, इतनी सारी पतंग, अरे बहुत मजा आएगी, चलो ना रोही दीदी पतंग उड़ाते हैं, बहुत मजा आने वाला है, ये। और तभी अन्नू और पायल भी आ जाती है रूही के घर में। हाय रूही, हाय विक्की, कैसे हो तुम दोनों? हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति दोनों को। और पता है पापा हमारे लिए क्या सरप्राइज लेकर के आए हैं? जरा पीछे मुड़ के देखो। इतनी सारी पतंगे, वाह अंकल, बहुत ही प्यारी प्यारी पतंगे, आज तो रंग जमाएंगे हम सब लोग मिलकर के। हाँ रूही, इसमें तो बहुत रंग बिरंगी है, बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ जल्दी शुरू करते हैं, बस मैं तन्नु का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए। और तभी तन्नु भी आ जाती है रूही के घर में। हाय, अरे सब लोग तो मुझसे पहले आ गए, मैं सोच रही थी मैं ही पहले जा रही हूँ शायद। हाँ तन्नू, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, देखो ना पायल और अन्नू तो कब से आई है, इतनी सारी पतंग रखी है यहाँ पे, ये आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और मूंगफली और गुड़ भी है। हाँ बेटा, ये सब तुम लोगों के लिए है, चलो अब तुम बच्चे लोग सब पतंग उड़ाओ और मज़े करो, ये बहुत मज़ा आएगा, चलो 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 पतंग उड़ाते हैं। और यहाँ पर सब बच्चे अपनी पतंग ले रहे हैं, यहाँ पर रूही ने अपनी पतंग ले ली है अपने हाथों में, और यहाँ पर अविक्की आ गया है। कौन सी पतंग लूँ, यहाँ पे तो बहुत सारी है, ऐसे करता हूँ ये वाली ले लेता हूँ, ये मज़ा आएगा, आज तो पतंग उड़ाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ये मैं तो ये वाली ले लेती हूँ, ऑरेंज येलो कलर की, बहुत ही प्यारी पतंग है, चलो चलो चलो। और यहाँ पर अन्नू और पायल ने भी अपनी पतंग ले ली है। अरे चलो 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 जल्दी करो, मज़ा आने वाला है आज तो पतंग उड़ाने में। और यहाँ पर सब लोग, मम्मा पापा और सारे बच्चे आ गए हैं पतंग उड़ाने के लिए।
रूही, मैं ना छत में जा रही हूँ पतंग उड़ाने के लिए। तुम देखना मेरी पतंग कितनी ऊपर जाएगी। पता है हम लोग तो हर साल पतंग उड़ाते हैं और मैं तो एकदम एक्सपर्ट हूँ पतंग उड़ाने में। जब मेरी पतंग सबसे ऊपर जाएगी ना, फिर तुम लोग देखोगे। और यहाँ पर तन्नु चढ़ जाती है छत के ऊपर पतंग उड़ाने के लिए। अब देखो मैं अपनी पतंग को कहाँ पहुँचाती हूँ। अरे तन्नु बेटा, संभल के बेटा, ध्यान से, ठीक है? मैं यहीं नीचे हूँ, तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ, तुम चलाओ पतंग। ये ओके तन्नु, चलाओ, हम लोग देखेंगे तुम कितनी अच्छी पतंग उड़ाती हो और फिर उसके बाद हम भी तुम्हारे साथ उड़ाएंगे। हाँ हाँ रूही, तुम देखो मेरी पतंग कितनी ऊपर जाती है, फिर तुम लोग भी सीखना और तुम लोग भी उड़ाना। और यहाँ पर सारे बच्चे अपनी पतंग हाथों में लेकर के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर तन्नु ने अपनी पतंग पहुँचा ली है ऊपर आसमान में और सभी बच्चे पतंग देख करके बहुत ही खुश हैं। और सब लोगों ने साथ में मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाया। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय दोस्तों।